नमस्कार दोस्तों। दोस्तों चाहे पथरी कैसी भी हो, बिल्कुल आसानी से ये घरेलू नुस्खा आपकी पथरी को बाहर करेगा। दोस्तों पथरी चाहे गुर्दे में हो या पित्त की थैली में हो, दोनों में से बहुत ही आसानी से पथरी को बाहर निकाल देता है ये नींबू वाला नुस्खा। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी इंग्रेडिएंट लेकर आया हूँ वो आपको बहुत ही आसानी से आपके घर पर ही मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और नुस्खा बनाने की विधि जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस नुस्खे को तैयार करने के लिए लेना होगा वो है दोस्तों धनिया का पत्ता। दोस्तों अक्सर सर्दियों के मौसम में धनिया का पत्ता बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर आप क्या करें कि आप धनिया का पत्ता ले लें और इसे पीस करके आपको बिल्कुल अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से ही तैयार करके और रखा हुआ है। दोस्तों जो धनिया का पेस्ट होता है वो हमारे गुर्दे से पथरी को बहुत ही आसानी से बाहर निकालने का काम करता है। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकाल देता है, वो भी पेशाब के रास्ते। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों नींबू। नींबू में विटामिन सी सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि पथरी को आसानी से तोड़कर और ये भी पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम करता है। यहाँ पर इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा आधे गिलास की मात्रा में पानी, और इस पानी में हम क्या करते हैं कि हम इस पीसे हुए धनिया के पेस्ट को लगभग एक चम्मच की मात्रा में यहाँ पर हम इस पानी में मिला लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें मिला लिया। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है दोस्तों नींबू। नींबू को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चाकू की मदद से दो टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद से हम इस नींबू के जूस को इसमें ऐड कर लेते हैं। हमने इसमें ऐड कर लिया इस आधे कटे नींबू के जूस को। इसके बाद से हम क्या करते हैं कि हम चम्मच की मदद से बिल्कुल ही अच्छी तरह से इसे हिला करके और मिला लेते हैं। दोस्तों यही जो नुस्खा है ये हमारे पथरी को बहुत ही आसानी से बाहर निकालने का काम करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे बताए अनुसार इसे पी लेना है। दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यानी कि जो भी पथरी के मरीज हैं उनको पोटेशियम वाला चीज़ नहीं खाना है। जिस भी भोजन में पोटेशियम मिलता हो उसका सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना है, जैसे कि आलू पालक ऐसे ऐसे चीज़ को बिल्कुल बंद ही कर देना है। जो भी लोग पथरी से परेशान हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पीना होगा, यानी कि जिन व्यक्ति को पथरी है उनको लगभग दिन में 6 से 7 लीटर पानी पीना होगा। अगर पथरी की साइज बहुत ही छोटी है तो पथरी सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के वजह से ही बाहर निकल सकता है, और उसके साथ साथ आपको कुछ खाने पर भी ध्यान देना होगा। ये तो रही कुछ ज़रूरी बातें। चलिए अब जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को कब और कैसे सेवन कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले आप रोज़ाना सुबह उठे फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद से आप 5 से 10 मिनट तक ज़रूर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद से आपको इस नुस्खे को तैयार करना है और तुरंत ही इसे सेवन कर लेना है, यानी कि पी जाना है। दोस्तों अगर आप मेरे बताए अनुसार इसका इस्तेमाल लगातार 6 से 7 दिन तक करते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।